जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। बात कर रहे हैं मासिक राशि फल 2023 और धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि की बात करेंगे, 2023 फरवरी कैसा रहने वाला है, क्या नई चीज लेके आया है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मंथली राशि फल की जब हम बात करते हैं तो मेरा केवल एक ही विशेष अनुरोध रहता है कि आप तक मैं ये बात पहुंचा पाऊं कि किस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए और कहां पर आपको जाना चाहिए। केवल ये एक मतलब रहता है मासिक राशि फल का, और जिससे कि आपको जीवन में लाभ होते हुए दिखने लगे और आपको जो लाभ मिल सकते हैं वो आसानी से मिल जाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। कुंडली में जब हम बात करते हैं धनु की तो अलग अलग जगह पे हो सकता है, लेकिन चंद्र कुंडली के आधार पर अगर हम बात करें तो चंद्र कुंडली के अनुसार धनु राशि जिन जिन लोगों की है हम उनकी बात कर रहे हैं। और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो हैं गुरुदेव, और गुरुदेव अपना प्रभाव दिखाएंगे। एक तो वो अप्रैल में बदलेंगे तो तब तो आपको प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा उनका, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि शनिदेव की साढ़े साती जल्द में ही आपसे खत्म हुई है, यानी कि पिछले 15 दिन पूर्व आपके ऊपर से साढ़े साती समाप्त हो गई है। इसका मतलब शनिदेव का जो प्रभाव था आपके ऊपर से आपकी राशि से वो समाप्त हुआ है, यानी कि आपको चीजें अब बनती हुई दिखेंगी, आपको पॉजिटिविटी आने लगेगी। अगर कोई एंजाइटी या डिप्रेशन से परेशान था तो वो सही होने लगेगा, और यदि आपके काम बनते बनते रुक जा रहे थे, आप स्टक कर जा रहे थे, तो वो भी अब ठीक होने लगेगा। और आपके जितने भी काम थे उनमें स्पीड आती हुई आपको दिखेगी कि पहले से अब स्पीड थोड़ी अच्छी हुई है, यानी कि शनिदेव की साढ़े साती जाने का प्रभाव पूरा पूरा आपको दिखने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई विदेश यात्रा बनती हुई दिख रही है, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, और यदि विदेश यात्रा नहीं हो रही तो अपने घर से दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस समय ट्रेवल करें उस समय अपने सामान की विशेष रूप से आप सुरक्षा करें, विशेष रूप से आप ध्यान रखें। खास तौर पर अगर आप ट्रेवल नहीं भी कर रहे हैं तो इस महीने में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि इस महीने में अपनी कीमती वस्तुओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली बात करें कि लाभ क्या होने वाला है, कि अपनी माता का बहुत ध्यान रख रहे थे आप बहुत समय से और उनको स्वास्थ्य कष्ट थे, तो आप ये समझ लीजिए कि वो समय अच्छा आने वाला है, अब आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। या पिता से संबंधित कोई समस्या आपको थी या पिता से संबंध आपके खराब थे तो समझ लीजिए ये समय अच्छा है और संबंध आपके प्रगाढ़ अच्छे होने वाले हैं। तो कुल मिला के बात करें तो धनु राशि वालों के लिए तो ये बम्पर समय है, बहुत अच्छा समय है, यानी कि आने वाले इतने समय से जो परेशानी चल रही थी वो फरवरी से हटती हुई दिखेंगी, पॉजिटिविटी है और एक अच्छी किरण आपको आती हुई दिखने लगेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। राधे राधे।